लेट्स स्टार्ट विद द एल्कीन पार्ट टुडे. एल्केन्स के बाद अब हम एल्कीन्स करेंगे. सो लाइक एल्केन वी विल बी डिस्कसिंग इट्स प्रॉपर्टीज. ठीक है, प्रेपरेशन, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें फिर हम एल्कीन्स की स्टडी करेंगे. एल्कीन्स यू नो दे आर द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स दैट कंटेन डबल बॉन्ड. ओके, तो इसमें जो कार्बन कार्बन है उसके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड है. ओके, सो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एल्कीन, राइट. अब इसमें मैंने आपको व्हेनेवर वी डिड द आइसोमेरिज्म पार्ट, उसमें मैंने आपको एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म करवाया था. यू रिमेम्बर दैट स्टीरियो आइसोमेरिज्म. व्हाट वाज दैट? हां जी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या था बेटा? वो तो उसके टाइप हो जाते हैं ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. और दूसरा कौन सा टाइप था? स्टीरियो का मतलब क्या होता है? स्पेस में बात करेंगे. ठीक है, यानी कि हम आइसोमेरिज्म का फिनोमिना जो है वो किस में डिस्कस करेंगे? स्पेस कोऑर्डिनेट्स में. एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स में वी विल बी डिस्कसिंग द आइसोमेरिज्म. अब आइसोमेरिज्म क्या है? व्हाट इज आइसोमेरिज्म? So actually these are the compounds that are having same molecular formula but they are having different arrangement of atoms in space. ठीक है, ये 3D concept है. This is three dimensional concept. So we will be discussing their arrangement in three dimension in space coordinates, in x, y, z coordinates. ठीक है, तो this is a stereo isomerism. तो जो हम space में isomerism show करेंगे, space में जो हम structures दिखाएंगे, okay, that is stereo isomerism. अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म इट वाज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड वेरी गुड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या था? 13. हां जी बेटा, व्हाट इज देयर इन द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? हाँ, हमने दो इसमें अरेंजमेंट्स की थी. वी टॉक्ड अबाउट द सिस ट्रांस अरेंजमेंट्स. ओके, हमने सिस और ट्रांस अरेंजमेंट्स की बात की थी. और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैंने अभी आपको वहां पर नहीं बताया था, राइट. वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन दिस क्लास टू. बट अभी मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर हम क्या डिस्कस करते हैं. रोटेशन होती है, ठीक है. अगेन वी विल बी डिस्कसिंग द रोटेशन इन द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स व्हेन एवर द लाइट इज पास्ड थ्रू इट. ठीक है, तो ऑप्टिकल मींस क्या होता है कि लाइट जब हम उसमें से पास करवाएंगे तो वो कैसे रोटेशन होती है और रोटेशन के बाद कैसे स्ट्रक्चर्स आते हैं, दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, ऑप्टिक्स पढ़ते हो ना आप फिजिक्स में, लाइट. ठीक है, पढ़ा अभी, स्टार्ट किया नहीं? ओके, तो ऑप्टिकल का मतलब ही क्या होता है कि लाइट, विद द पासेज ऑफ लाइट, ओके, व्हाट इज देयर इन द कार्बन कार्बन बॉन्ड और हाउ द कार्बन कार्बन और अदर बॉन्ड्स जो है वो रोटेट हुए हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट. ठीक है, तो यहाँ पर हम दो चीजों से देखते हैं कि वो लेफ्ट की तरफ रोटेट हुआ है या राइट की तरफ रोटेट हुआ है. तो वो हम सारा किस में डिस्कस करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. बट वो अभी नहीं है हमारा, अभी कौन सा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ओके, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी मैंने आपको बताया था दैट वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हियर, द सिस आइसोमेरिज्म एंड द ट्रांस आइसोमेरिज्म. नाउ व्हाट इज देयर इन द सिस आइसोमेरिज्म? हाँ जी बेटा, सिस आइसोमेरिज्म कैसे बनता है? When you are having two groups that are on the same side, ठीक है, जैसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं. यहां पर मेरा CH3 ग्रुप है, ये दोनों एक साइड पे हैं और ये दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे. अब ये स्ट्रक्चर जो है वो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, where these two both मिथाइल ग्रुप्स आर ऑन वन साइड एंड बोथ हाइड्रोजन दे आर ऑन वन साइड. द स्ट्रक्चर कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो. ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ.
ओके सो दे आर सिस आइसोमेरिज्म, ठीक है, सब में सिस है क्योंकि ये दोनों सेम ग्रुप एक साइड पे हैं, ये सेम ग्रुप जो है वो ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, या इधर भी हो सकते हैं या इधर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चार वे से आपको जो है वो सिस कॉन्फर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। तो जैसे भी आ जाए, दीज ऑल आर द सिस कॉन्फर्मेशन, दिस इज सिस आइसोमेरिज्म। जहां पर जो बल्की ग्रुप्स हैं दे आर ऑन द वन साइड, ओके। अब अगर वो एक साइड पे हैं, ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स देखो एक साइड पे हैं, देन दे विल बी कॉजिंग स्टेरिक हिंड्रेंस, हो जाएगी ना। जो दोनों बल्की ग्रुप्स हैं वो एक तरफ हैं, दोनों जो बल्की ग्रुप्स हैं दे आर ऑन द वन साइड, तो एक तरफ तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, बहुत ज्यादा क्राउड हो जाएगा ना। ये मिथाइल ग्रुप के आगे तीन हाइड्रोजन इसके हैं, तीन हाइड्रोजन इसके हैं, तो एक साइड पे बहुत ज्यादा क्या है, क्राउड है, ओके। तो सिस आइसोमेरिज्म जो है या सिस कॉन्फर्मेशन जो है दे आर लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू द ट्रांस कॉन्फर्मेशन, राइट। अब अगर मैं ट्रांस लिखूं, हाउ वी विल बी शोइंग द ट्रांस कॉन्फर्मेशन, सी इफ दिस इज द सिस वन, इसी को ही अगर मैंने ट्रांस में शो करना है, तो कुछ ऐसे होगा, ट्रांस कॉन्फर्मेशन विल बी लाइक दिस, जहां पर ये दोनों बल्की ग्रुप्स जो हैं वो क्या हैं, दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड, एक इधर को है और एक इधर को है, ठीक है। तो स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो इसमें कम हो जाती है, एक मिथाइल ग्रुप इधर हो गया और एक मिथाइल ग्रुप जो है वो इधर हो गया, ओके। सो दैट्स व्हाई द ट्रांस आइसोमर्स और द ट्रांस आइसोमेरिज्म में जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल, ओके। नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हाँ जी, डबल बॉन्ड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, टू कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहली बात तो क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड इज नेसेसरी, ठीक है, डबल बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। Secondly, the groups they must be different. ये दोनों जो है वो एक दूसरे से different होने चाहिए। अगर suppose मैंने ऐसे लिख दिया, will this show geometrical isomerism? No, क्योंकि इसमें तो सारे methyl groups हैं और सारे equivalent हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा किस तरफ है, right? So that means here the two attaching atoms or the groups they should be different from one another, okay? तो जो आपने atoms या यहाँ पर groups attach करने हैं, वो दोनों जो हैं वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, different होने चाहिए, in order to exhibit the property of cis and trans isomers. हाँ, तो फिर ठीक है, फिर यही confirmation बनेगी ना, दोनों methyl हैं, तो भी cis ही है वो, इधर दोनों CH3 हो गए, इधर दोनों हाइड्रोजन हो गए, फिर भी वो सिस कॉन्फर्मेशन। आप ऐसे कह रहे हो, ऐसे कह रहे हैं, हाँ तो कोई बात नहीं, दोनों जो है वो यहां पर देखना ना, एक मिथाइल ग्रुप हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया, ये दोनों एक साइड पे हैं तो सिस है, ये दोनों जो सेम सेम वाले हैं वो दूसरी साइड पे हो गए, हाँ? अगर तीन मिथाइल है तो फिर वो कॉन्फर्मेशन जो है वो आगे हम ई एन जेड नोटेशन में जाते हैं, ठीक है, उसके लिए भी है, बट वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है ई एन जेड नोटेशन, ठीक है। तो अभी आपने सिर्फ यहीं तक रहना है, सिस आइसोमेरिज्म एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, जिसमें आपके पास दो सेम ग्रुप्स हैं, ठीक है, यहाँ पर इफ दे आर ऑन द सेम साइड, ठीक है, तो वो सिस हो जाएगा, अगर डिफरेंट साइड पे है तो ट्रांस हो जाएगा, और ई एन जेड कॉन्फर्मेशन होती है, ई एन जेड नोटेशन होती है, वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। हाँ जी, इज दैट क्लियर?
अब स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है। पहले मुझे नेमिंग बताओ इन सब की, जो जो स्ट्रक्चर्स में लिखने जा रहे हैं। This is the first, this is the second, this is the third structure, CH3. एक मिनट चलिए। हाँ जी, फर्स्ट का क्या नाम है? 2.3 ओके, डाइमिथाइल ब्यूटेन। उसके बाद लिख लेना आप खुद ही। हाँ जी, नेक्स्ट बताओ। सॉरी, किस पोजीशन पे? 2 पे, 2-butene। उसके बाद नेक्स्ट का, नेक्स्ट का क्या नाम है? सेकेंड वाले का क्या नाम है? थ्री पे है। टू मिथाइल ब्यूट टू इन, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, थर्ड स्ट्रक्चर का नाम? हाँ जी, नॉमिनक्लेचर ऑफ थर्ड स्ट्रक्चर। ब्यूट टू इन नहीं होगा ये? हाँ, तो ब्यूटी बनेगा अगर चार की चेन बन रही है तो? नहीं बन रही। आगे बोलो फिर, नेक्स्ट का। अच्छा, इसको ऐसे कर लेते हैं, आपकी चार की चेन ही ना बन रही है, ये ग्रुप यहाँ पे अटैच कर देते हैं पहले, ठीक है। अब बन जाएगी, अब हो गई ना, तो दिस इज ब्यूट टू इन। आगे बोलो, प्रोपीन, ठीक है। नेक्स्ट इथीन, ठीक है। अब आपने इसमें से स्टेबिलिटी बतानी है किसकी ज्यादा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कैसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये करवाया हुआ है मैंने आपको। Why first is more stable? Due to hyperconjugation. कितने structures हैं यहाँ पर, कितने methyl group हैं? 1, 2, 3, 4. 4 methyl group हैं और constantly आपके hyperconjugated structures कितने आएंगे? 12 hyperconjugated structures आएंगे, उसके बाद structures 9, ठीक है, then you are having 6, then 3 and then no hyperconjugated structure. ठीक है, तो इसीलिए जो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज मोर स्टेबल। तो बेस्ड ऑन द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हम यहाँ पर जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखते हैं वो क्या है, द फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल, देन द सेकेंड, देन द थर्ड, फिर फोर्थ एंड द फिफ्थ स्ट्रक्चर इज लीस्ट स्टेबल। इज दैट क्लियर? ये हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने पढ़ा हुआ है। Okay, so this is all about the geometrical isomerism. Now coming to the next is methods of preparation of alkenes. Methods of preparation of alkenes. Write down the first one.
preparation from alkyl halides. Preparation from alkyl halides. हाँ जी बेटा, हम सबसे पहले अल्काइल हैलाइड से जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं. अल्काइल हैलाइड, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड है? सी एन. ऐसे नहीं, एल्कीन्स का थोड़ा ना पूछा मैंने, अल्काइल हैलाइड का पूछा. सीधा बोल दो ना, RCl RX. ठीक है, सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड, दैट इज RX. तो R हमारा क्या है यहाँ पर? एल्केन है, R इज दी एल्केन. ठीक है, इथाइल ग्रुप है या मिथाइल ग्रुप है, जो भी आप ले सकते हो. This is the alkyl halide formula. अब यहां से आपको मैंने एक चीज बताई थी, बीटा एलिमिनेशन. Do you remember that? एलिमिनेशन की थी हमने दो तरह से, एक अल्फा एलिमिनेशन थी, एक बीटा एलिमिनेशन थी. Now what is अल्फा एंड बीटा एलिमिनेशन? खोलो पेज, देखो. ऐसे तो याद नहीं होगी आपको दिमाग में, है ना? Okay, so beta elimination is that there is a loss of two halogen atoms or basically two atoms from the different carbon atoms. So वो कौन सी होती है elimination? Beta elimination. और अगर same carbon से दो atoms का loss हो, that is alpha. ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक H है और दूसरा जो है वो X है, and they are attached to the different carbon atoms, that means this comes under the category of beta elimination. ठीक है, यहाँ आप इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल देते हो. और इसका क्या नाम है? द अदर नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज डी. डी का मतलब होता है रिमूवल. आप ये बहुत टर्म यूज करोगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, डी मींस रिमूवल. ओके, किसका रिमूवल करना है हमने? हाइड्रो. हाइड्रो मींस हाइड्रोजन का, डी हाइड्रो. और किसको रिमूव कर रहे हैं? हैलोजन को. और किसको रिमूव कर रहे हैं? हैलोजन को. ठीक है, तो इसका क्या नाम बन जाता है? डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन. ओके, दिस इज द अदर नेम ऑफ दिस रिएक्शन. आइदर यू कैन से बीटा एलिमिनेशन और डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन. इज दैट क्लियर? So, जिसके साथ आपका एल्काइल हैलाइड लगा है, दैट इज एक्चुअली द अल्फा कार्बन, और ये जो है वो बीटा है. ठीक है, तो एक आपका जो है वो यहाँ से जा रहा है और एक जो है वो यहाँ से लॉस हो रहा है. सो दैट्स व्हाई वी से दिस रिएक्शन अंडर द कैटेगरी ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. नाउ दिस रिएक्शन इट विल प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहोलिक KOH. ओके, यू हैव टू हीट इट. लिख लेते हैं कुछ भी प्रोडक्ट्स, हाइड्रोजन ही ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट वन. ठीक है, बिल्कुल सिंपलेस्ट वाला CH3CH2, और यहाँ पर भी हम कोई ग्रुप ले लेते हैं हैलाइड का. ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, क्या करेंगे बेटा? क्लोरीन कैसे जाएगा? क्लोरीन कैसे निकलेगा? वो अपना बॉन्ड लेके निकलेगा. ठीक है, क्लोरीन अपना बॉन्ड लेके निकलेगा क्योंकि Cl नेगेटिव जाएगा. जो हाइड्रोजन है वो एज H पॉजिटिव जाएगा. ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा. ओके, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, एंड व्हाट यू विल गेट? C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर दो हाइड्रोजन आ गए. ठीक है, और यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन आ गए, एंड प्लस HCl. ठीक है बेटा, राइट? तो अगर आपने जनरल रिएक्शन भी शो करनी है तो जनरली यहाँ पे कोई भी ग्रुप्स लगा देना आप. ठीक है, और साथ में HX जो है वो बाहर आ जाएगा. ओके,
So this is the dehydrohalogenation reaction. Next, write down for bromoethane. Write down bromoethane plus alcoholic KOH and do the reaction. हाँ जी डन बेटा. क्या बना? इथीन प्लस. वेरी गुड. हाइड्रोजन हैलाइड निकल जाएगा साथ में, जो भी आपने हैलाइड लिया होगा, HBr, HI, HCl, ठीक है, HBr, एनीथिंग, राइट. नाउ डू द स्ट्रक्चर फॉर 2-bromopropane. मेक द स्ट्रक्चर फॉर 2-bromopropane. प्रोपेन लिखो और सेकंड पोजीशन पे जो है वो ब्रोमो ग्रुप लगा दो एंड डू द सेम रिएक्शन. डू द सेम रिएक्शन. हाँ जी. दो मतलब अभी बताती हूँ मैं. दिस इज 2-bromopropane. द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH. यू हैव टू हीट इट. हाँ जी. अब मुझे बताओ क्या करेंगे हम इसमें. ये तो निकलना है Br, इसके साथ हाइड्रोजन निकलना है. किस तरफ से निकालो? देखो हाँ वन में बनेगा. 2-bromopropane है. अगर मैं यहां से हाइड्रोजन निकाल लूंगी इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, एंड यू विल बी गेटिंग CH. अगर मैं इधर से निकाल रही हूं देन दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH एंड दिस इज CH. तो ये वन पोजीशन है दोनों. हाँ दोनों में वन पोजीशन ही हैं, ठीक है. ब्यूटेन में नेक्स्ट डिफरेंट होगा, ठीक है. दोनों में सेम प्रोडक्ट ही है, ठीक है. एक प्रोडक्ट ही बन रहा है जिसमें से मर्जी निकाल लो आप. मैं बताती हूँ वो भी नेक्स्ट. मुझे लगा यही केस बन रहा है शायद, प्रोपेन वाला ही बन रहा है, वो ब्यूटेन वाला केस बन रहा है अभी आगे. अब नेक्स्ट केस जो आप बता रहे हो 2-bromobutane. फर्स्टली राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ 2-bromobutane. स्ट्रक्चर लिखिए 2-bromobutane का. हाँ जी बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2-bromobutane. अब यहां पर देखते हैं क्या केस बन रहा है. एल्कोहलिक KOH एंड यू हैव टू हीट. दो पॉसिबिलिटीज हैं. दिस इज द अल्फा कार्बन, या ये बीटा हाइड्रोजन निकलेगा या यहाँ बीटा हाइड्रोजन निकलेगा. यही दो पॉसिबिलिटीज हैं. ये अल्फा है तो ये वाले दोनों जो है वो बीटा बन रहे हैं. या यहाँ से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करो या यहाँ से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करो. क्लियर है? चलिए पहले दोनों स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं. देन वी विल बी डिस्कसिंग CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3. अगर मैंने यहां से निकाला है, ठीक है, अगर मैंने यहां से एलिमिनेट किया है तो ये स्ट्रक्चर बन रहा है. अगर मैं यहां से निकाल रही हूं तो ओह
आपका ये स्ट्रक्चर बन रहा है. नाउ कंपेयर दीज टू एल्कीन्स, आर दे सिमिलर? जैसे ऊपर आपकी दोनों सेम बनी, ठीक है, डबल बॉन्ड की पोजीशन को इफेक्ट नहीं हुआ, यहाँ से भी वन था वहां से भी वन था, ठीक है, तो डेट मीन्स ये दोनों स्ट्रक्चर हमारे लिए सेम हो गए, राइट. बट अब यहाँ पर बताओ मुझे क्या नेम है दोनों का, एक ब्यूट वन ईन है और दूसरा ब्यूट टू ईन है. दिस इज ब्यूट वन ईन, दिस इज ब्यूट टू ईन, राइट. अब हम कैसे डिसाइड करें कि ये वाला हाइड्रोजन प्रेफर होगा या ये वाला हाइड्रोजन प्रेफर होगा? सो दिस इज अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द रूल. This is according to rule, Seidzip rule. Seidzip rule होता है ये, okay? So इस rule के according क्या है कि अगर आपके पास alkene है, ठीक है, alkene means ये आपके पास कोई alkyl halide है और वो आपको दो तरह से elimination करके दो products दे रहा है. If there is any alkyl halide and in the beta elimination process, if it is giving you two types of alkenes, we have to prefer that alkene that is more alkylated. हमने इसमें से कौन सी एल्कीन जो प्रेफर करनी है जो ज्यादा क्या है, alkylated है. Now what is the meaning of alkylated? हाँ जी बेटा, जिसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स हों, उस एल्कीन को प्रेफर करो जिसमें ज्यादा क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप्स होंगे. अब अगर इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे देखूं, ये जो डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, एक हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है, ऐसे ही है, और एक के साथ क्या लगा हुआ है, सी एच थ्री ग्रुप, इधर भी जो है वो सी एच थ्री. दिस इज ब्यूट टू ईन. सेम अगर इसका स्ट्रक्चर में बनाऊ तो दिस इज सी डबल बॉन्ड सी, इसके साथ दो क्या लगे हैं, हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन के साथ ही पूरा ग्रुप लगा हुआ, एक हाइड्रोजन है और एक तरफ सी टू एच फाइव ग्रुप ही है ना, सी एच थ्री सी एच टू, दिस इज सी टू एच फाइव ग्रुप. नाउ इन बोथ ऑफ दीज, दिस इज ब्यूट टू इन एंड दिस इज ब्यूट वन इन, वट विच एल्कीन जो है वो आप प्रेफर करोगे, विच एल्कीन यू विल बी प्रेफरिंग दैट इज मोर एल्काइलेटेड. ज्यादा एल्काइलेशन किसमें है, इसमें. दोनों तरफ जो है वो इक्वली ग्रुप्स हैं, दोनों तरफ जो है वो इक्वल एल्काइलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, बट यहाँ पर वो अनइक्वल हैं. यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन हैं एंड देयर इज ओनली वन एल्काइल ग्रुप ऑन दिस साइड, समझ रहे हो, there is only one alkyl group on this side and यहाँ पर दोनों क्या है, hydrogens हैं, तो यहाँ पर alkylation इतनी ज्यादा नहीं है, but here we are having more alkylated structures on both sides of the alkenes, ठीक है, दोनों sides पे देखना है हमने alkenes की. So you can write down the definition of this rule. ब्रेक दी ड्यूटी है ना, ब्रेक दी ड्यूटी है, फिक्स पीरियड फिर लगाता, मैं तो ऑलरेडी पीरियड हैगा उठे. चलिए बेटा राइट डाउन रूल की डेफिनेशन पूछ लेते हैं आपसे. इफ एन एल्काइल हैलाइड कैन एलिमिनेट, इफ एन एल्काइल हैलाइड कैन एलिमिनेट द हाइड्रोजन हैलाइड, if an alkyl halide can eliminate the hydrogen halide in two different ways, then that alkene will be preferred in which the carbon atoms
the carbon atoms joined by double bond, the carbon atoms joined by double bond are more alkylated. ओके क्लियर है ये रूल सेट्ज़ेफ रूल. ठीक है तो अगर हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें से हम एल्काइल हैलाइड को एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है हैलोजन हैलाइड को सॉरी, और उसमें से अगर आपके पास दो एल्कीन के स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, हमने वो वाली एल्कीन प्रेफर करनी है जिसमें ज्यादा एल्काइलेशन है यानी कि जिसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स लगे. ओके तो इसमें से जो आपका मेजर वन है दैट विल बी दिस स्ट्रक्चर and this alkene is minor. Okay, so major preference हम उसको देंगे और वो जो है वो minor preference में. Clear? Now write down the second reaction. From vicinal, करवाया मैंने आपको germinal vicinal positions. From vicinal dihalogen derivatives. ठीक है जी. Easy है बिल्कुल. अभी जो आपने स्ट्रक्चर लिखा था एल्केन का एल्काइल हैलाइड का, यहां पर आपने एक हाइड्रोजन लगाया था. अब दोनों हैलोजन्स हैं. ओके इफ देयर आर टू हैलोजन्स दैट आर ऑन द डिफरेंट कार्बन एटम्स देन दैट इज विसिनल डेरिवेटिव. जेमिनल कौन सा होगा विच आर ऑन द दैट विल बी द जेमिनल डेरिवेटिव.